तुम अभी तक तो घर पे हो? अभी तो किस्ती के लोग आ जाएंगे, पैसा नहीं दिया तो घर पे आके बैठी रहेगी। मैंने बहुत आदमी से मांगा मगर किसी के पास नहीं मिला। घर पे अगर बैठी रहोगे तो पैसे कहाँ से मिलेगा? बाहर जाके देखो ना किसी के पास मिलता है कि नहीं। तुम एक काम करो ना, तुम्हारे भैया से मांग लो, मैं दो दिन के बाद ही दे दूंगा। नहीं, मैं मेरे भैया से पैसा मांग नहीं पाऊंगी। अरे इसके पहले बहुत बार भैया से पैसा मांगी थी और तुमने तो कभी लौटाया नहीं। तुम्हारे भैया के पास बहुत पैसा है, पैसा दू या ना दू इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भैया के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तुम क्यों कुछ समझते नहीं हो? मेरे भैया के ऊपर मेरे मम्मी पापा सारे फैमिली की बोझ है और तुम्हें तो पता है मेरे मम्मी पापा कुछ भी काम नहीं करता है, तो भैया कहाँ से पैसा देगी? मैं ये सब सुनना नहीं चाहती। मैं जो तुझे बोल रहा हूँ वो कर। तू तेरा भैया से पैसा लेकर आ बस, और कुछ नहीं। मैं नहीं जाऊंगी मेरे भैया के पास। तुम कुछ भी काम नहीं करोगे, घर पे बैठे रहोगे और क्या सोचा? मैं हमेशा मेरे भैया के पास से पैसे मांगूंगी। ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं करूंगी भैया के पास पैसे मांगूंगी। क्या बोली साली? हाँ? क्या बोली? क्या बोली? क्या बोली? हाँ? क्या बोली? हाँ? क्या बोली? हाँ? पैसा नहीं लेके आएगा? हाँ? मैं काम नहीं करता हूँ। हाँ? हाँ बोल बहन। भैया वो आज भी मुझे पीटा है। क्यों, आज फिर से किस लिए पीटा? मैंने उसे बोला था तुम काम भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, हमेशा घर में बैठे रहते हो, इसलिए वो आज मुझे बहुत पीटा है। मैं तुझे जो बोलेंगे वो तो सुनेगा नहीं तू। तो ये सब छोड़ भैया, एक बात बोलो, गुस्सा मत होना। नहीं गुस्सा नहीं करेंगे, बोल क्या बात है? तू मुझे 1,000 रुपए दे सकती है? मैं 2 दिन बाद ही लौटा दूंगी। नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं यार पैसा नहीं दे पाऊंगी। जो हाथों से वो तुझे पीट सकता है वो हाथों से काम नहीं कर सकता। जो काम नहीं कर सकता है वो बीबी का ऊपर हाथ कैसे उठाता है? भैया तुम मेरी और मेरे बेटे के बात सोच के लास्ट टाइम इन पर पैसा दे देना प्लीज भैया। ठीक है, तू घर पे आके पैसा लेके जा। ठीक है। तुम फिर दे रही हो तुम्हारे बहन को पैसा? अरे क्या करूं, बोलो देना तो पड़ेगा ही। तुम सब कुछ भूल सकते हो लेकिन मैं अभी तक भूला नहीं पाया। तुम्हारा बहन का पति के पास तुम जब रुपया मांगे थे तो वो दिया था? दिया नहीं तो उस टाइम में क्या बोला था तुम बोलो? मेरे बहन का पति जो भी बोला फिर भी मेरे बहन के फेंक नहीं सकते। हाँ तुम सब कुछ बहन को दे दो, हमारे जो लड़का का भविष्य है तुम सोचना मत। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। उसका जो पति है ना उसका मेरा मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा अभी मुझे निकलना है, अगर मेरे बहन आए तो 1,000 रुपया दे देना।
तुम आज भी पी के आई हो? मैं अपने पैसे से दारू पिया हूँ, तेरा क्या है? हाँ, तुम्हारे पैसों से तुम दारू पी के आई हो ये तो ठीक है, लेकिन इस पैसों की वजह से घर पर बच्चे के लिए दूध नहीं है, और तुम इतना पैसा कहाँ से लेके दारू पीने के लिए? देखो, तुम ये दारू पीना बंद कर दो और यही पैसे से बच्चों के लिए दूध खरीदो ना, इसमें तुम्हारी भी जिंदगी बचे और बच्चे की भी जिंदगी। साली, तू मुझे ज्ञान दे रही है ना? हाँ? बस ओके, तू फोन रख, मैं आ रही हूँ। हाँ, तू जल्दी आ जा। देख, आज मेरी भैया आ रहा है, क्या हालत करती है तुम्हारी। क्या बोली तू? तेरा भैया आ रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें काम करना, पीछे वाला दरवाजा खोल देना, मैं भाग जाऊंगा। खोल देना। क्या ले? तेरे को क्या लगे? मैं डर गया हूं। मैं किसी से नहीं डरता, तेरा भैया हो या कोई भी। आने दे, तेरे भैया को आने दे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है? भैया, अरे बोलो ना, मेरा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे बहन से पूछ लो ना प्रॉब्लम क्या है। मैं क्यों मेरे बहन से पूछूं? तुम बोलो ना, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? भैया, वो काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, और हमेशा घर पे बैठी रहती है, और अगर मैं ये बोलूं तो मुझे रोज ही पिटाई करती है, और तुम्हें पता है वो रोज दारू पी के घर पे आती है। तू चुप कर, मैं तुझसे कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अच्छा बिकस, तुम्हें एक बात बोलो तो, ये जो तुम मेरे बहन को पीटते हो, हम लोग तुम्हें कुछ भी बोला है क्या? हाँ भैया, तुम लोग मुझे कुछ नहीं बोला, मगर तुम्हारा बहन मुझसे अच्छा बिहेवियर नहीं करती है। हाँ, मैं मान रहा हूं मेरा बहन अच्छा नहीं है, इसलिए तुम मेरे बहन को पीटोगे? मेरी तरह तुम्हारा भी एक बहन होता और उसका पति इसी तरह पीटता, तुम्हें कैसा लगता? विकास, चुप क्यों? बोलो, कुछ बोलो। देखो विकास, पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, मारना पीटना इसका सलूशन नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को समझो, देखो एक दिन सब ठीक हो जाएगा।